और ये रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव का रोड शो उज्जैन में। मोहन यादव मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि मोहन यादव उज्जैन से ही आते हैं, उज्जैन दक्षिण से उन्होंने चुनाव जीता है और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो उज्जैन यहां पर रोड शो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने जैसे ही शपथ ग्रहण किया था वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे, आशीर्वाद लिया था शुभ अवसर पर। और अब आप देखिए कि जो समर्थक है उनमें काफी ज्यादा खुशी है, खुशी की लहर है कि उनका नेता उनके इलाके में आया है। उज्जैन दक्षिण से आते हैं मोहन यादव, उन्होंने चुनाव जीता है और अब ये भीड़ आप देखिए। 2024 में भाजपा सरकार, मध्य प्रदेश की जनता अभिवादन कर रही है। जब से आप सीएम बने हैं आपके जो निर्णय सामने आए, चाहे वो लाउड स्पीकर का हो या खुले में मांस मच्छी बेचने का, जनता स्वागत कह रही ऐसे ही सीएम चाहिए थे। देखिए, कानून और व्यवस्था और हमारे विकास के एजेंडे को लगातार आगे बढ़ने के लिए ऐसे कई निर्णय करना पड़ेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास करने के लगातार कामों का आगे बढ़ेगा। जिस तरीके से आज जनता का प्यार दिख रहा है आपके प्रति, क्या कहेंगे सर? जनता का विश्वास, स्नेह, आशीर्वाद, इसी के बलबूते पे भाजपा लगातार अपनी विजय हासिल करती है और ये 163 सीटें इसी का परिणाम है। बिल्कुल। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है सीएम के रोड शो की। और देखिए, जहां नजर जाएगी वहां पर लोग आपको नजर आएंगे, लोग उत्साहित है, कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह है सीएम को लेकर। देखिए तस्वीर में उनकी जो बहन है, यहाँ की अध्यक्ष है नगरपालिका का, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनसे जिस तरीके से उत्साह नजर आ रहा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, पूरी उज्जैन आज आह्लादित है, आनंदित है, चहुओं एक उत्साह का वातावरण, जोश की कोई कमी नहीं है। जोश खरोश के साथ में सारे कार्यकर्ता, सारी पूरी जनता उज्जैन की आज पलक पावड़े बिछाकर स्वागत में लगी हुई है और आज जो विकास भारत संकल्प यात्रा का रथ रवाना किया है और इस जोश और आनंद को देखते हुए लग रहा है कि 2024 का जो हमारा एम है, जो टास्क लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की जीतेगी, निश्चित रूप से वो टास्क पूरा होगा, वो गोल पूरा होगा, ये उत्साह और ये वातावरण ये दिखा रहा है। जैसे ही मुख्यमंत्री बने, जो उन्होंने निर्देश दिए, खुले में मांस मछली नहीं बिकेंगे, लाउड स्पीकर को लेकर जो उन्होंने निर्देश दिए, जनता में काफी उत्साह है, चारों तरफ चर्चा चल रही उनके निर्णय की। वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे, डिसीजन था, उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कठिन, मतलब एकदम सख्त तरीके से उस निर्देश को दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को फॉलो करें, आदेश को फॉलो करें और निश्चित रूप से सारे शहरों में वो फॉलो भी होने लगा है। हमारी कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च कोर्ट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं और इस वक्त रोड शो चल रहा है और ये देखिए तस्वीर, जगह जगह पे मंच लगाकर स्वागत किया जा रहा है और ये तस्वीर दिखा रहे हैं हम इस वक्त में और ऐसी सीधी तस्वीर लगातार उज्जैन से हम अपने दर्शकों दिखाएंगे। और देखिए कि इस वक्त काफिले की तस्वीर दिखाते हुए हम साथ साथ में चल रहे हैं और जगह जगह पर इस वक्त में स्वागत मंच लगा हुआ है, सीएम का स्वागत किया जा रहा है, उज्जैन के लोगों में इसका जबरदस्त उत्साह भी नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय गुप्ता, News18 उज्जैन। तो आप सुन रहे थे मिथिलेश को, जो संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उन्होंने बातचीत की मोहन यादव से न्यूज 18 पर। सबसे पहले मोहन यादव ने इस रोड शो के दौरान ये कहा है कि 2024 में भी बंपर जीत होगी और जिस तरीके से यहां पर लोगों का प्यार मिल रहा है ये बहुत बड़ी बात है मोहन यादव के लिए। आप देखिए कि कितनी ज्यादा जबरदस्त भीड़ यहां पर उमड़ी पड़ी है मोहन यादव के स्वागत के लिए, ढोल लगाड़ों की आवाज। जो उज्जैन के सांसद है वो तस्वीर नजर आ रहे हैं, उनकी जो बहन है वो भी उनके साथ इस वक्त रथ पे सवार है और तमाम आसपास के उज्जैन समाज के जो भी विधायक हैं वो रथ पे इस वक्त सवार है। काफी भीड़ है समर्थकों की और उसके साथ में सीएम का रोड शो जो है उज्जैन भ्रमण में निकल चुका है। करीब 7 किलोमीटर का ये रोड शो है और इन उज्जैन की जनता का हाथ दिखाकर अभिवादन कर रहे हैं और ये देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है, उज्जैन की जो जनता है उस पर फूल फेंक रहे हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं एंड सीएम मोहन यादव। और ये तस्वीर देखिए, उत्साहित है लोग, यहाँ के लोग उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित थे और हर किसी को इंतजार था उनके उज्जैन आने का। हालांकि शपथ ग्रहण के बाद वो सीधे उज्जैन पहुंचे थे, बाबा महाकाल का पूजन अर्चन के बाद वो सीधा कैबिनेट की बैठक के लिए भोपाल रवाना हो गए थे, उसके बाद उज्जैन पहुंचे हैं और उज्जैन में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने के बाद में
सीएम का रोड शो इस वक्त उज्जैन में चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 उज्जैन। तो देखिए, आप देख रहे हैं मोहन यादव को, जो कि यहां पर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री प्रदेश का यहां पर आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उज्जैन से पुराना रिश्ता है मोहन यादव का। मोहन यादव की अगर हम बात करें तो मोहन यादव जो कि उज्जैन दक्षिण से चुनाव जीत चुके हैं, जिसके बाद अब वो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुखिया हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दरबार पहुंचकर यहां पर पूजा अर्चना की थी शपथ लेने के बाद। और साथ ही आपको बता दें कि मोहन यादव आज यहां पर रोड शो कर रहे हैं। इस रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मोहन यादव के तमाम जो चाहने वाले हैं वो इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि उनकी बहन भी यहां पर मौजूद थी, जो उनके लिए गए फैसले को सराह रही थी। आपको बता देते हैं कि मोहन यादव जिनका राजनीतिक सफर भी बहुत खास रहा है। मोहन यादव मुख्यमंत्री तो बने हैं, लेकिन काफ़ी पसंदीदा चेहरा भी है वो उज्जैन में। तमाम लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मोहन यादव रामनगरी के प्रख्यात संत एवं रामघाट स्थित सीताराम आश्रम के संस्थापक स्वामी आत्मानंद दास उर्फ नेपाली बाबा के शिष्य भी हैं। उनका हमेशा से ही लगाव अपने धर्म के प्रति देखने को मिला है। 2016 में उज्जैन महाकुंभ के दौरान नेपाली बाबा की ओर से आयोजित राम नाम जप महायज्ञ के मुख्य यजमान भी वो रह चुके हैं। और आज देखिए, मुख्य यजमान के अलावा एक मुख्यमंत्री बनकर वो आए हैं उज्जैन। बहुत बड़ी बात। और जिस तरीके से मोहन यादव के चाहने वाले यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं, काफी मशक्कत, काफी चुनौतीपूर्ण पुलिस प्रशासन के लिए इस भीड़ को काबू में करने की। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि मोहन यादव के पूरे परिवार वालों में खुशी की लहर है। काफी ज्यादा वो खुश नजर आ रहे हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं और ऐसे में उनका उज्जैन पहुंचना कई लोगों के लिए खुशी की बात है। अभिवादन स्वीकार करते हुए मोहन यादव नजर आ रहे हैं। मिथिलेश, थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे मोहन यादव से बातचीत करते हुए। मोहन यादव ने न्यूज 18 पर यह कहा कि वो काफी खुश महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आने के बाद। और सबसे बड़ी बात कि आशीर्वाद है महाकाल का ही, जो इतना प्यार जनता का उन्हें मिल रहा है। दो तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, सीएम का भव्य स्वागत और रोड शो में ये भारी भीड़, ये दिखाती है कि मोहन यादव के चाहने वाले कितने हैं। एक ऐसा फैसला जिससे बीजेपी ने सबको चौंका दिया, मोहन यादव का नाम, जो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में मौजूद हैं, रोड शो कर रहे हैं। और इसके साथ ही उनका राजनीतिक करियर भी काफ़ी ज़्यादा खास रहा है। मोहन यादव का राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें, 1984 में शुरू हुआ था, जब वो ABVP को ज्वाइन कर चुके थे। अखिल भारतीय विद्या परिषद को उन्होंने ज्वाइन किया था। फिर वो RSS के भी सदस्य रहे। उन्होंने 2013 में उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ा था और लगातार तीसरे चुनाव में यहां से विधायक निर्वाचित हुए हैं। बैक टू बैक उज्जैन से वो जीतते आए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है किसी भी विधायक के लिए, किसी भी नेता के लिए, कि एक सीट पर लगातार जीत को बरकरार रखना। और वो मोहन यादव का देखने को मिला है। इस बार उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी चेतन प्रेम नारायण यादव को हराया है, और वो भी 12,000 वोटों से हराया है। मोहन यादव को यहाँ पर बम्पर वोट मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि काफी अनुभवी नेता है मोहन यादव। उज्जैन वासियों के लिए किसी सरप्राइज से भले ही कम नहीं था, क्योंकि सीएम पद की रेस में इनका नाम कहीं भी नहीं था, लेकिन विधायक दल की बैठक में उनके नाम की घोषणा की गई। 2004 से पहले 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, जबकि 2011 से 2013 तक MP राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उज्जैन से कितना पुराना रिश्ता है मोहन यादव का। और आज वो आए हैं उज्जैन, यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये रोड शो उनका पहला रोड शो, जिसमें कि भारी भीड़ दिखाई दे रही है और आउट ऑफ कंट्रोल लोग यहाँ पर, देखिए आप, फूल बरसा रहे हैं मोहन यादव के स्वागत के लिए। मोहन यादव अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं जनता का उज्जैन में
नए सीएम प्रदेश के इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के स्वागत के लिए काफी ज्यादा भीड़ समर्थकों के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी है यहाँ पर। हालांकि जब विधायक दल की बैठक में मोहन यादव का नाम लिया गया था तो सब चौंक गए थे, लेकिन इसमें चौंकने वाली बात इसीलिए नहीं है क्योंकि उज्जैन मोहन यादव आए हैं और उज्जैन से मोहन यादव का तो पुराना नाता है। 2013 से वो लगातार जीतते आ रहे हैं उज्जैन दक्षिण सीट पे से, और इस बार भी उन्होंने 2023 में हुए चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में जो हाल ही में हुए थे, उज्जैन दक्षिण से बम्पर वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। तो ये बहुत बड़ी बात मोहन यादव के लिए। मोहन यादव का ससुराल हालांकि सुल्तानपुर है, पूरी खुशी हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक नजर आ रही है। फिलहाल उज्जैन की ही ये तस्वीर आप देखिए, समझ जाइए कि काफी ज्यादा यहाँ पर मोहन यादव के जो समर्थक है वो यहाँ पर आए हुए हैं। काफी ज्यादा राजनीति में रुचि रखने वाले मोहन यादव आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात की है मोहन यादव ने। मोहन यादव ने इस रोड शो के दौरान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि लोकसभा चुनाव में भी बम्पर वोट हासिल करेंगे, जनता का पूरा प्यार मिलेगा। और देखिए यहाँ पर लगातार फूलों की बारिश हो रही है। मोहन यादव जिन्हें शुरू से ही राजनीति में रुचि था, उन्होंने एबीवीपी ज्वाइन की थी, 2013 में उन्होंने चुनावी राजनीति में प्रवेश किया और उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा। उन्होंने 2013 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार जय सिंह दरबार को करीब 9000 वोटों से हराकर जीत हासिल की थी, और ऐसे में ये सिलसिला लगातार चलता रहा। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में फिर से उन्हें चुना गया और उन्होंने उज्जैन दक्षिण के लिए जिस तरीके से काम किया वो काफी चर्चा में रहा, और एक बार फिर उन्हें मौका मिला 2018 में। बड़ी बात यह है कि 2020 में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तहत मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट सदस्य के रूप में शपथ ली, शिक्षा मंत्री भी वो रह चुके हैं। शिक्षा मंत्री 2020 में उन्होंने शपथ ग्रहण की, शिक्षा मंत्री के तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। 2023 के मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े और बम्पर जीत उन्होंने हासिल की। सबसे बड़ी बात, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिन्होंने जिम्मेदारी लेते ही कई बड़े फैसले भी ले लिए, किसी भी विवाद में नहीं फंसे हैं मोहन यादव आज तक, और यही उनको एक अलग छवि का नेता बनाता है। तो मोहन यादव का भव्य स्वागत हो रहा है उज्जैन में। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, दो तस्वीर रोड शो भी आप देखिए कि रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी है और जन सैलाब हम इसे कह सकते हैं, जन सैलाब है यहाँ पर और काफी लोग यहाँ पर आए हुए हैं मोहन यादव के स्वागत के लिए। जिम्मेदारियां कई हैं आगे भी जो निभानी है, मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले उज्जैन की जनता का प्यार लेने के लिए, उज्जैन की जनता को प्यार देने के लिए मोहन यादव यहां पर पहुंचे हैं। उज्जैन से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव का रोड शो उज्जैन की, और ये तस्वीर देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह, उज्जैन की जनता में उत्साह, और सीएम इस वक्त तस्वीर आपको नजर आएंगे उज्जैन की जनता का अभिवादन कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं आप सीधी तस्वीर इस वक्त उज्जैन से न्यूज 18 पर, और ये सीधी तस्वीर उज्जैन से जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का इस वक्त रोड शो चल रहा है। सीएम बनने के बाद वो सीधा शपथ ग्रहण के बाद सीधा वो उज्जैन पहुंचते हैं, और उज्जैन के बाद सीधा महाकाल के दर्शन करके कैबिनेट बैठक के लिए रवाना रहते हैं। आज वापिस से आए और विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए, और उसके बाद ये रोड शो चल रहा है। सर, जनता को उत्साह नजर आ रहा है, अपार समर्थन। माननीय प्रधानमंत्री की विजय संकल्प यात्रा का आज प्रारंभ हुआ है, उस विजय संकल्प यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर हम सब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार संकल्प कर रहे हैं, फिर एक बार भाजपा सरकार 2024 में निश्चित रूप से एक बार फिर सरकार बनाने वाले। अब विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री ने आज लोगों से बात करी, जो लाभार्थी है अपनी बात उन्होंने रखी, क्या कहेंगे सर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर? विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे प्रदेश में आज से प्रारंभ हुई है, और आज नहीं 5 राज्यों में अलग अलग माननीय मोदी ने प्रारंभ किए, मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूँ।
तो आप सुन रहे थे मोहन यादव, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर सबसे पहले बात की और कहा कि जो ये यात्रा है ये लोगों से जुड़ने के लिए है, लोगों को जोड़ने के लिए है और इस यात्रा को लगातार जारी रखेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि प्रचंड जीत लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ।